अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज मैं गिना गई हूँ आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार चटपटी रेसिपी के साथ। आज मैं बनाने जा रही हूँ स्टीम फ्राइड एग कड़ी की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी के लिए मैंने 4 दरमियानी साइज़ के अंडे ले लिए हैं, 1 प्याज है जिसको हमने ऑमलेट वाली प्याज की तरह चॉप कर लिया है बिल्कुल, 4 टेबलस्पून फ्रेश धनिया है और 2 हरी मिर्च हैं जिसको भी हमने चॉप कर लिया है। अब अंडों को तोड़कर बाउल में ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज और फिर हम इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे और धनिया ऐड करेंगे और साथ ही साथ हसबे ज़रूरत नमक ऐड कर देंगे। अब जो है वो फॉक की मदद से इसको अच्छी तरीके से विस्क कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से हमें जो है वो इसको विस्क कर लेना है बिल्कुल इसी तरीके से। और यहाँ हमारा जो है वो एग का बैटर रेडी है, बिल्कुल ही ज़बरदस्त तरीके से हमें विस्क कर लेना है ताकि कोई भी चीज़ अलहदा ना हो। और अब यहाँ पर मैंने 5 इक्वल साइज़ के स्टील के बाउल्स ले लिए हैं। इसको हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, ये देखें इस तरह ऑयल की मदद से ऑयल ब्रश कर लेंगे। और अब हम इसमें बैटर ऐड करेंगे, तकरीबन 4-5 टेबलस्पून जितना मैंने इसमें बैटर ऐड किया है, हर बाउल में ऐड कर देंगे। ये देखें इस तरीके से, और अब जो है यहाँ पे मैंने एक पॉट गर्म करने के लिए रख दिया था पहले ही, जिसमें मैंने एक स्टेन सेट किया है। और अब थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे और सारे बाउल्स इसमें रख देंगे और इसको 15 मिनट तक स्टीम करने के लिए छोड़ देंगे। सेकेंड साइड पर यहाँ मैंने 3 अदद टमाटर ले लें जिसको मैंने बीच से कट किया है, 2 प्याज हैं दरमियानी साइज़ की, 15 जो है वो लहसुन की कलियाँ हैं, 2 ग्रीन चिली हैं और 1 छोटा अदरक का टुकड़ा। इन सब चीज़ों को हम जो है वो एक पॉट में ऐड करेंगे। इसमें जो है हम 1/2 ग्लास इतना पानी ऐड करेंगे और इसको 10-15 मिनट के लिए थोड़ा सा बॉयल होने के लिए रख देंगे। यहाँ हमारी चीज़ें बॉयल हो चुकी हैं, अब हम इसको ग्राइंडर में ऐड करेंगे और अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे, पेस्ट बना लेंगे इसका। और यहाँ जो है वो हमारे एग भी स्टीम हो चुके हैं, ये देखें इस तरीके से। अब जो है वो हम इसको एहतियात से निकाल लेंगे और बस हल्की सी नीचे से छुरी मारेंगे और ये निकल आएंगे, ये देखें इस तरीके से। इसी तरीके से हम जो है वो सारे निकाल लेंगे एक प्लेट में, दूसरा भी मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही ईजीली ये निकल जाता है। यह आप देख सकते हैं इस तरीके से निकल जाएगा। और अब जो है हम एक फ्राई पैन ले लेंगे जिसमें ऑयल ऐड करेंगे, तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और हमने जो एग स्टीम किए हैं उसको फ्राई कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से 3-4 मिनट एक साइड से और फिर टर्न करके दूसरी साइड से हम इसको फ्राई कर लेंगे, ये देखिए इस तरह। बिल्कुल ही अच्छे से निकाल लेंगे, अब ये फ्राई हो चुके हैं। और अब यहाँ पे हम एक कढ़ाई लेंगे जिसमें ऑयल ऐड करेंगे, तकरीबन 5 टेबलस्पून ऑयल ऐड करने के बाद ऑयल को गर्म होने देंगे। इसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे, 2 छोटी इलायची और 3 लौंग ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा जो है वो सौटे करेंगे ताकि अच्छी सी एक खुशबू निकल आए, ये देखें इस तरीके से। और अब हम इसमें 1 छोटी प्याज चॉप करके ऐड कर देंगे, देखें इस तरह, और इसको भी जो है वो अच्छे से सौटे कर लेंगे। ताकि इसका कलर चेंज हो जाए, ये देखें इस तरह। और यहाँ प्याज का कलर कम्प्लीटली चेंज हो चुका है अच्छी तरीके से। अब जो हमने पेस्ट बनाया था ग्राइंडर में वो ऐड कर देंगे और इसको जो है वो अच्छी तरीके से पका लेंगे, ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से हमें इसको पका लेना है। बिल्कुल ही अच्छे से हम जो है वो इसको पका लेंगे और अच्छे से हमें भून लेना है ताकि मसाले का जो है वो कच्चापन दूर हो जाए। ये देखिए इस तरह बिल्कुल ही अच्छे से भून लेंगे। और अब जो है हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे
जैसा कि 1 teaspoon धनिया पाउडर, 1 teaspoon ज़ीरा पाउडर, 1/2 teaspoon हल्दी, 1 teaspoon रेड चिली पाउडर। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसको भी अच्छे से भून लेंगे ताकि सारे मसाले ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये देखिए इस तरीके से। ये देखें ये पकना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें हसबे ज़रूरत नमक ऐड कर देंगे और इसको अगेन जो है वो 2 से 3 मिनट तक लगातार अच्छे से भून लेंगे। ये देखें इस तरह। और अब जो है हम इसमें कवर लगा देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक। और यहाँ देखिए मसाले का सारा कच्चापन दूर हो चुका है और हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितना ये गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें धनिया ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून फ्रेश धनिया और इसको अच्छे से भूनेंगे और 1 ग्लास जितना हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और इसको जो है वो अच्छे से भून लेंगे। साथ ही साथ हमने जो वो एग्स बनाए थे वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे बिल्कुल ही एहतियात से। इसको थोड़ा सा सेट करेंगे और कवर कर देंगे 10 से 12 मिनट तक। और यहाँ देखिए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। हम इसको कवर आउट करेंगे और थोड़ा सा जो है वो गरम मसाला गार्निश कर लेंगे। और बस यहाँ पर हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। देखा कितनी ईजी और कितनी झटपट तरीके से हमारी स्टीम फ्राई एग्स कड़ी रेसिपी रेडी हो गई। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, कॉमेंट करें और ऐसी ही झटपट सी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल द स्पाइस सिस्टर को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।